और अब बड़ी खबर आपको बता दें, 2023 के सेमीफाइनल की तैयारी किस तरीके से बीजेपी कर रही है आपको बताते हैं। देखिए, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सब तैयार हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में यात्राएं जिस तरह से निकाली जाएंगी, आशीर्वाद परिवर्तन यात्राएं निकाली गई हैं और ये तैयारी है, ये रणनीति है बीजेपी की 2023 का सेमीफाइनल 2024 से पहले। और क्या तैयारियां की जा रही है इस पर बात करने के लिए ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ये फॉर्मूला तो पुराना है, रणनीति नई क्या है इसमें? रणनीति नहीं, वही है जो आपने अभी बताई है कि 2023 का विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी पूरी तैयारी है। हमने जिस भी वक्ता को सुना, यदि कल में नीमच में राजनाथ सिंह जी के साथ की सभा में था तो वहाँ भी वो 2024 की उन्होंने बात की। अभी मंडला में अमित शाह की रैली थी और श्योपुर में रैली थी, उन्होंने 2023 के साथ साथ 2024 में मोदी जी की सरकार बनाने की बात करते हैं। तो कुल मिला के 2023 की तो बात करने के साथ साथ 2024 में कितना बदलाव आने वाला है और क्यों 2024 में मोदी को दोबारा लाया जाए, नई सरकार फिर से सरकार बनाई जाए, इसके लिए पूरे देखना होगा कि पुराने फॉर्मूले पर नई रणनीति लेकिन कारगर कितनी होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।